Hey friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Mukesh. I am an entrepreneur, author and a speaker. दोस्तों, एक 10 साल का छोटा लड़का सुबह सुबह समुद्र के किनारे सैर करने निकला। सूरज देवता लगभग उदय हुए ही थे और वो लड़का सूरज की ताजी धूप और ठंडी ठंडी हवा एंजॉय कर रहा था। लड़का जब धीरे 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 आगे चला और सूरज देवता थोड़े और चढ़े तो धूप थोड़ी सी तेज होने लगी थी और तभी अचानक से समुद्र में से एक तेज लहर आई और उस लहर के पानी के साथ कुछ स्टारफिश समुद्र से बाहर मिट्टी पर आ गई। अब सूरज देवता चढ़ रहे थे, साथ में धूप भी बढ़ रही थी और इस बढ़ती धूप में उन स्टारफिश ने छटपटाना शुरू कर दिया था। बच्चे को लगा कि अगर इन स्टारफिश को वापस पानी में नहीं फेंका गया तो ये स्टारफिश इस बढ़ती हुई धूप में मर जाएंगे, और बच्चे को लगा भी सही ऐसा ही होता है। अगर स्टारफिश को पानी ना मिले और बाहर से बहुत धूप हो तो मिट्टी में स्टारफिश जल्दी ही मर जाएगी। लड़के ने क्या किया, उसने एक स्टारफिश को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। फिर वापस वो नीचे झुका, एक स्टारफिश को उठाया और समुद्र में फिर से फेंक दिया। लड़का ऐसा कर ही रहा था और कुछ मिनट में पीछे से एक आवाज आई। पीछे एक सज्जन उस लड़के को देख रहे थे, उन्होंने कहा, बेटा कितनी स्टारफिश को फेंकोगे? 2, 5, 10 को आपने फेंक भी दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, तो सैकड़ों स्टारफिश हैं जो बाहर आ गई हैं। लड़के ने एक बार उनकी तरफ देखा, थोड़ा मुस्कुराया और फिर वापस नीचे झुका और झुक करके एक और स्टारफिश उठाई, उठा करके फेंका और फेंक करके बोला, देखिए इसको बहुत फर्क पड़ता है। फ्रेंड्स, व्हाट एन अमेजिंग थॉट। उस एक स्टारफिश के लिए तो काफी फर्क पड़ता है, सारा फर्क पड़ता है। इनफैक्ट उसके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। क्या हम अपने जीवन में ऐसी गलतियां करते हैं कि जब हमें लगता है हम किसी की सहायता कर सकते हैं लेकिन फिर हम सहायता के स्केल की चिंता करने लगते हैं, हम जो किसी की मदद करना चाहते हैं उसके परिणाम के परिमाप की चिंता करने लगते हैं कि अरे ये छोटी सी सहायता से क्या फर्क पड़ता है। आप याद करने की कोशिश कीजिए कि भी जीवन में आप शायद उस स्टारफिश की तरह छटपटा रहे हों कुछ पाने के लिए, कुछ जानने के लिए। तभी किसी की सहायता आपके पास आई, आपको किसी ने गाइड किया, आपकी किसी ने सहायता की और आपकी किसी ने मदद की। उस मदद के कारण, उस सहायता या उस मार्गदर्शन के कारण आप जीवन में आगे बढ़ पाए। एक बार मदर टेरेसा जी ने कहा था कि पूरी दुनिया में सब लोग अगर अपने अपने घर के सामने की सफाई कर दें तो सारा संसार, पूरी दुनिया साफ हो जाएगी। हम लोगों को जितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर मदद करना चाहते हैं तो मदद करनी चाहिए। जब हो सके, जितना हो सके, जिसके लिए हो सके, हम लोगों को बिना परिमाप की चिंता किए, बिना स्केल की चिंता किए हमें सहायता करनी चाहिए। दोस्तों, सवाल ये है कि हम लोगों को परिवर्तन लाना है या नहीं। स्केल की चिंता नहीं करनी है, परिमाप की चिंता नहीं करनी है। कितना बड़ा परिवर्तन आप लेकर के आ पाएंगे वो बात की बात है, क्योंकि पहले आपको खुद आगे आना पड़ेगा, खुद एक एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, शायद उसके बाद लोग आपको फॉलो कर लें। अगर लोग फॉलो नहीं भी करेंगे तो भी आपको अपने दिल में एक संतुष्टि रहेगी कि आप जो कर सकते थे आपने वो किया, और अगर लोग फॉलो कर लेंगे तो फिर काफ़ी बड़ा चेंज हम एक साथ मिलकर लेकर के आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हम ये सीखें कि जहाँ भी, जब भी, जिस किसी की भी आप सहायता कर सकते हैं, प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट। ये सहायता किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ये किसी को खाना देने की फॉर्म में हो सकती है, किसी को पैसे देने की फॉर्म में हो सकती है, या किसी को कुछ उत्साहित शब्द बोलने की फॉर्म में हो सकती है, किसी का मार्गदर्शन करने की फॉर्म में हो सकती है, आप किसी को गाइड भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की सहायता बेकार नहीं जाती है, सामने वाले का भला हो ना हो, लेकिन हम खुद बहुत अच्छा फील करेंगे। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। मैं आशा करता हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी और आप सब लोग उत्साहित हैं, सब लोग प्रेरित हैं, सब लोग एकदम मोटिवेटेड एंड चार्ज्ड अप हैं अपने अपने तरीकों से, जितना भी आप कर सकते हैं उतना चेंज लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।